अभी एम्बुलेंस आ रही है, अभी तो इस वक्त एम्बुलेंस पहुंच चुकी है एयरपोर्ट के अंदर अक्षय श्रीफ साहब को लेने के लिए। बड़े दर्दनाक लम्हात हैं जिनको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये इस वक्त एयरपोर्ट के सामने की सूरत हाल है, देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जहां लोग मौजूद हैं अक्षय श्रीफ साहब को लगाई करके ला दे रिकॉर्ड कर दी 22 बार जाए ना आज ही करके ला देगा ठीक है। ये इस पर एयरपोर्ट की सूरत हाल है, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं। हमारी अलग आ रही है कौन सी गाड़ी कराची से है। एक एक बंदा जो है ना वो अंदर ये एक वो भाइयों ने उनको बताया छोड़ दे पोजीशन वाले गाड़ी आ गई पहले कहाँ इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ लोग भी जमा होना शुरू हो गए हैं। अर्शद शरीफ साहब की जो एहलिया है उसके घर वाले हैं, बच्चे हैं, उस वक्त मौजूद हैं। आपने भी देखा है कि वो यहाँ से गुजर रहे थे। बड़े दर्दनाक लम्हात हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी पहुँच चुकी है उनकी जो एहलिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े तकलीफ के हालात हैं। ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। अगर आप देख सकें तो सामने मलिका बुखारी साहबा, कमल सुजा साहबा वो भी यहाँ पहुँच गई। वहाँ चौधरी साहब भी, सुधीर जान साहब भी। हेलो हाँ इधर हो चलेंगे
देख सकते हैं वाजपेयी साहब, मतलब फरीद साहब, कमर शुजर साहब, सिद्दीक खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। भाईजान थोड़ा सा रास्ता दे, रास्ता दे गाड़ी को निकलने दे। देख सकते हैं कि सिद्दीक जान साहब बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नादिर खटक भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ इस वक्त पी टी आई के सीनियर जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुराद सईद साहब भी इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं।